ठीक है, अकीदे के मसले में तालबे मुमकिन नहीं है, मनहज यानी रास्ता अलग अलग है तो उसमें तालबे मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या जो समाजी काम है या फलाही काम है ना, जो सोशल जिसको काम कहा जाता है, क्या इस तरह के कामों में हम सब इकट्ठा हो सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर जैसे ब्लड बैंक का मसला है, यानी खून जमा करना ताकि मरीजों के काम आए, है ना, जमा हो और फिर वो सबकी मसलहत के लिए, कोई भी बीमार हो सकता है, किसी के भी काम आ सकता है, इसके लिए कोई मुहिम अगर कोई मिसाल के तौर पर शुरू करता है तो क्या उसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? या ऐसे मिसाल के तौर पर नशा मुखालिफ मुहिम कोई शुरू करता है तो उसके उसमें उसका काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या ऐसे और जो इस तरह के इशूज हैं, इस पर एक सामाजिक अंदाज में काम किया जाता है तो उसका साथ दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, इसमें शरीक होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, असल तो ये है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि सब के सब अकीदे और उसूल की बुनियादों पर एक हो जाए, असल तो ये, क्योंकि उसके बाद ये सवाल आपके पैदा नहीं होंगे। ये सवाल इसीलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि जड़ का फसाद है, उसूलों में विकार है, उसूलों में गलती है, अकीदे में इख्तलाफ है, रास्ता मुख्तलिफ है, इसलिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन ठीक है, अगर उसकी कोशिश चल रही है जबानी तौर पर, कलमी तौर पर, मीडिया के रास्ते से कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की किताब पर इकट्ठा हो जाए, नबी की सुन्नत पर इकट्ठा हो जाए, तौहीद और सुन्नत बुनियाद हो और दीन को किताब सुन्नत की बुनियादों पर अल्लाह के नबी के सहाबा के फहम के मुताबिक समझा जाए, सब किसी पर आ जाए, इसकी कोशिश चलती रहे, एक तरफ जितनी भी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है उसका अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया जाए। लेकिन अगर इसमें तालबे नहीं भी हो रहा है, लोग करीब नहीं आ रहे हैं, तो जो ऐसे काम हैं जिसको हम बिल्ली काम कह सकते हैं, बिल्ली काम, जैसे मिसाल के तौर पर बिल्ली काम का मतलब यह है कि अभी कोई के हालात में मिसाल के तौर पर हम सबको कोई मौकिफ अपना या कि बात हुकूमत के सामने रखनी है ना, कोई मिसाल के तौर पर ऐसा इशू है जो हमें उनके सामने पेश करना है, तो सब इकट्ठा होकर के एक जबान होकर के उस चीज को सब पेश करना है, इसमें बिल्कुल सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, बिल्ली स्टेजों पर सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, बिल्ली बुनियादों पर सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। अच्छा, ऐसे समाजी जो इस्लाह के काम हैं, इन इस्लाही कामों में भी आपस में इकट्ठा होने में कोई हर्ज की बात नहीं है, जहां अकीदे का अकीदे में खलल ना पड़ता हो, जहां मनहज में बिगाड़ ना आता हो, वहां तक हमें समाजी फलाही बुनियादों पर, सोशल बुनियादों पर काम करने में कोई हर्ज नहीं। अब यहां एक छोटी सी बात जो खासतौर पर हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि कभी कभी क्या होता है, कभी ये होता है ना कि बज़ाहिर वो सोशल है, बज़ाहिर वो समाजी काम है, लेकिन उसके ज़रिए से मकसद कुछ और होता है, इसको बुनियाद बना करके अकीदे का तालमेल, मनहज का तालमेल, इस तरह की कोई सोच उसके पीछे छुपी होती है, कारफरमा होती है, तो इस नज़ाकत को समझना है, ये दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं, नाचाकी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अल्लाह की तौहीद का जो अकीदा है उसे ऐसे ही शफाफ बाकी रखने की नीयत से जैसे वो अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के नबी की सुन्नत में आया हुआ है, मनहज जैसे साफ शफाफ है, उसमें कोई भी खलल पैदा ना हो, उस पर कोई गर्द गुबार ना आए, उस पर कोई मिसाल के तौर पर हर्फ ना आए, उसको ऐसे ही खरा तरोताज़ा बाकी रखने के लिए ये नज़रिया, ये नुक्ता समझने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि अकीदा बिगड़ जाए, ऐसा ना हो कि मनहज बिगड़ जाए, बज़ाहिर काम सोशल है, बज़ाहिर काम रिफाही है, बज़ाहिर काम फलाही है, लेकिन उसके नतीजे में अकीदे का फसाद आ रहा है, अकीदे का समझौता आ रहा है, अकीदे के साथ मुदाहनत यानी उसने कमज़ोरी को बर्दाश्त किया जा रहा हो, या मनहज से समझौता किया जा रहा हो, सुन्नत के साथ कहीं खिलवाड़ हो जा रहा हो, तो इस नुक्ते को समझना जरूरी, यानी किसी भी सूरत में हम अल्लाह तबारक व तआला की किताब और नबी की सुन्नत के मुताबिक जो अकीदा और रास्ता है तौहीद और सुन्नत का, इसमें कोई भी खलल पैदा होने दें, इसके लिए हमें राजी नहीं होना है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी।
उमूमी तौर पर आम तौर पर सामाजिक कामों में, इस्लाह के कामों में, भलाई के कामों में, मिल्ली कामों में हम सबको इकट्ठा होने में कोई हर्ज की बात नहीं है जी। शेख, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह ने हमारा नाम सिर्फ मुस्लिम रखा है, तो अपने आप को अहले हदीस या सलफी बोलना भी फिरका परस्ती है, इस पर रहनुमाई करें जी। दूसरा सवाल हमारे सामने जो आज के सेशन में है वो ये है कि बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं, और बिल्कुल अमली तौर पर ये चीज़ मौजूद है, बहुत सारे भाई कहते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमारा नाम मुसलमान रखा है, हुआ सम्मा कुबुल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया गालिबन सूरह हज में कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तो जब अल्लाह ने मुसलमान नाम रखा है तो अब कोई शख्स अगर अपने आप को सलफ़ी कहता है, अहले हदीस कहता है या और कोई नाम रखता है तो ये भी फिरका परस्ती है, क्या ये सही है या सही नहीं है? इसका जवाब 2 से 3 जगहों पर इस किताब में आएगा, लेकिन मुख्तसर तौर पर यहाँ इस सवाल के जवाब में जो बात आपके सामने कहेंगे उसका खुलासा, उन्हीं बातों का खुलासा है, उसकी तफसील वहाँ आएगी। वो ये है कि आज अगर हम अपने आप को सलफ़ी कहते हैं या अहले हदीस कहते हैं या अहले सुन्नत कहते हैं, असरी कहते हैं, ताइफ़े मंसूरा कहते हैं, फ़िरक़े नाजिया कहते हैं, अगर मिसाल के तौर पर, तो ये मुस्लिम के ख़िलाफ़ नहीं है, मुस्लिम कहने के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि मुस्लिम जो है ना वो इन्हीं तमाम चीज़ों का असली नाम है, यानी सलफ़ियत, अहले हदीसियत, मिसाल के तौर पर ये क्या है, असल इस्लाम का नाम है, ख़ालिस इस्लाम का नाम है, जो इस्लाम अल्लाह की किताब में, नबी की सुन्नत में उतरा है, जिस पर सहाबा ने सलफ़ ने अमल किया है, उसी इस्लाम का नाम अहले हदीसियत है, उसी इस्लाम का नाम सलफ़ियत है। अमली कोताही हो सकती है, अमली कमी हो सकती है, इसे इनकार नहीं है, लेकिन रास्ता, तरीक़ा, मनहज, उसूल, ज़ाब्ते वही है जो असल इस्लाम के हैं। सिर्फ इस्लाम कहने पर इत्तेफाक क्यों नहीं करते हैं? उसका जवाब ये है कि जब इस्लाम सिर्फ इस्लाम था, बमुकाबिल कुफ्र, बमुकाबिल शिर्क, बमुकाबिल यहूदियत, बमुकाबिल ईसाईयत, बमुकाबिल मजूसियत, जब तक दुनिया में ये हालात थे तब तक मुसलमान कहना काफ़ी था, क्योंकि मुसलमान है यानी यहूदी नहीं है, ईसाई नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, है ना, मजूसी नहीं है, काफिर नहीं है, मुशरिक नहीं है, बल्कि कौन है, मुसलमान है। मुसलमान है एक अल्लाह की बंदगी करने वाले, नबी के रास्ते पर चलने वाले, तो अब तक तो यही नाम था और आज भी वो नाम मौजूद है, लेकिन जब गड़बड़ी पैदा होने लगी, इस्लाम के नाम पर मुतअद्दिद फिरके बन गए, इस्लाम के टुकड़े हो गए, इस्लाम के क्या हो गए, टुकड़े हो गए, बिदअत नई नई निकलने लगी, नई नई ख्वाहिशात निकलने लगी, लोग अपनी अपनी अकलों से नया नया तरीका इस्लाम में रहते हुए निकालने लगे, तब वजाहत करने के लिए ये साबित करना पड़ा, ये कहना पड़ा कि भाई मुसलमान तो भी कहते हैं, मुसलमान तो हम भी कहते हैं, मुसलमान तो भी कहते हैं, ये 10 लोग हैं जो अपने आप मुसलमान कहते हैं, तो अब ये फ़र्क करना मुश्किल है कि कौन से मुसलमान, वो मुसलमान जो अपने आप मुसलमान भी कहता है और बिदअत भी करता है, क्या वो मुसलमान है? वो मुसलमान जो मुसलमान भी और साथ साथ में तसव्वुफ के रास्ते पर चलता है, क्या वो मुसलमान? वो मुसलमान जो खारजियत के रास्ते पर चलता है, वो मुसलमान? क्या वो मुसलमान जो राफजियत के जिसके अंदर पाई जाती है, वो मुसलमान? वो मुसलमान जिसके अंदर नासिरियत पाई जाती है, वो मुसलमान जिसके अंदर तसव्वुफ पाया जाता है ना, मिसाल के तौर पर। तो जब बहुत सारे वो मुसलमान जो किताब सुन्नत की दलील पर इत्तेफाक नहीं करता, सहाबा के फहम पर इत्तेफाक नहीं करता, बल्कि अपनी अकल को, अपनी लॉजिक को बुनियाद बनाता है, वो मुसलमान? अपनी राय को बुनियाद बनाता है दीन के अंदर, वो मुसलमान? क्योंकि ये सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो अपने आप को क्या कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। तो अब इन इतने सारे फिरकों में जो इस्लाम के अंदर है, तयीन करने के लिए, वजाहत करने के लिए कि ना राफजियत वाले मुसलमान हैं, न खारजियत वाले मुसलमान हैं, न सूफियत वाले मुसलमान हैं, न अकलानियत वाले मुसलमान हैं, बल्कि हम वो मुसलमान हैं जो खालिस तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ढूंढते हैं, और खालिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर सहाबा कैसे चल रहे थे
उस रास्ते को तलाश करते हैं। तो यही तो असल इस्लाम है। अगर इस सारे फिरकों को हटा करके आप देखें, जब इस्लाम बमुकाबला यहूदियत, ईसाइयत, मजूसियत, कुफ्र और शिर्क था, तो असल खालिस इस्लाम क्या था? अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत। आज भी अल्लाह की किताब और खालिस नबी की सुन्नत ही है, लेकिन आज अपने यानी इस्लाम के दायरे में मुख्तलिफ फिरकों से इम्तियाज करने के, इस्लाम से नस्बत करने वाले फिरकों से अपने आप को अलग थलग वाज़ह साबित करने के लिए कि हम ये नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, बल्कि हम कौन हैं? वही हैं जो असल इस्लाम पर चल रहे थे, जिस पर अब चूंकि ज़माना पुराना हो गया, ज़माना गुजर चुका है, तो सलफ़ यानी गुजरा हुआ दौर, जो अल्लाह के नबी का दौर था, जो सहाबा का तरीक़ा था, जो ताबईन का तरीक़ा था, जो तबे ताबईन का तरीक़ा था, उस पर हम चलते हैं। तो इन फिरकों से अपना इम्तियाज साबित करने के लिए, कहीं हम गड़बड़ ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, हमें भी कोई उसी खारियत में शामिल ना कर दे, हमें भी कोई राफियत में शामिल ना कर, हमें भी कोई तकलीफ की अंधी तकलीफ में शामिल ना कर दे, हमें कोई अकलानियत में शामिल ना कर दे, शामिल ना कर दे। इससे इम्तियाज करने के लिए हम कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन सलफ के रास्ते पर चलने वाले मुस्लिम हैं, ना इधर ना इधर ना इधर ना इधर, हम किसी तरफ नहीं। इसलिए ये मुस्लिम करने कहने के साथ साथ जो सलफ़ी हम कहते हैं, ये नया फिरका नहीं है, ये इन्हीं टुकड़ों ने हमें मजबूर किया है कि हमें अपने आप को वाजे करना पड़ता है कि हम इन फिरकों में से नहीं हैं, असल वाले पर हैं, जिस पर हमारे असलाफ यानी वही पुराने गुजरे हुए सहाबा ताबी तबे ताबीन चलते थे, उसी पर हम चलने वाले लोग हैं। तो ये नया फिरका नहीं है, नया फिरका नहीं है, असल इस्लाम है। फिरके ये हैं जो उससे निकल करके अलग थलग हो गए। हम तो आज तक उसी रास्ते पर चल रहे हैं, उसी पर चलने की दावत दे रहे हैं जो अल्लाह ने उतारा अपनी किताब, जो उतारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, और जिस पर अल्लाह के नबी के सहाबा और ताबईन उम्मत के अइमा चलते रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, और क़यामत तक एक तबका उस पर चलता रहेगा। यह और बकिया वज़ाहत इंशाअल्लाह तबारक तआला आएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। उम्मत में इत्तेहाद कैसा होगा, कैसे होगा? क्या उम्मत में शिर्क व बिदअत के होते हुए इत्तेहाद मुमकिन है? उम्मत में इत्तेहाद कैसे मुमकिन है? क्या उम्मत में शिर्क व बिदअत के होते हुए इत्तेहाद हो सकता है? बहुत अहम सवाल है। ये सवाल भी आएगा शेख सालेह फौज़ान से, बिल्कुल यही सवाल किया गया है। मेरे भाइयों, आप देखें, इसका सरसरी जवाब यह है, और इससे पहले बात आ चुकी है, कि इत्तेहाद का ताल्लुक तौहीद से है। इत्तेहाद का ताल्लुक तौहीद से, जहाँ तौहीद है वही इत्तेहाद है। और जब तौहीद इस वक्त हम कह रहे हैं, तो तौहीद बारी ताला ही नहीं, तौहीद इलाह नहीं, बल्कि तौहीद रिसालत, तौहीद उलूहियत और तौहीद रिसालत की हो के साथ ही इत्तेहाद मुमकिन है। अगर अल्लाह की तौहीद नहीं है, शराकत है, तो इत्तेहाद मुमकिन नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपकी इत्तबा और पैरवी सिर्फ आपके साथ खास नहीं है, तो फिर इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। तो इत्तेहाद और वहदत के लिए तौहीद ज़रूरी है। जब तक तौहीद दुनिया में कायम रही, तब तक तारीख जानती है, दुनिया गवाह है कि हम मुत्तहिद थे। जब तक उम्मत अल्लाह के नबी के रास्ते पर चलती रही, तब तक दुनिया जानती है कि हम मुत्तहिद थे। हमारा इत्तेहाद उस वक्त से टुकड़ों में चला गया, पारा पारा हो गया, गिरोहों में बट गए हम, जब उम्मत में ये शिर्क की बुनियाद पड़ गई, अकीदा फासिद हो गया, कुफ्र आ गया, शिर्क आ गया, बदअकीदगी आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत है उम्मत के अंदर, कि आपकी बात के अलावा दुनिया की हर एक की बात को लिया भी जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन आपकी बात को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपकी बात को लेना ही लेना है। जब तक उम्मत इस रास्ते पर चल रही थी, तब तक उम्मत पे इत्तेहाद था। इसी बात को इमाम मालिक इमाम उदानी हिजरा ने कहा था, लन यसरुहा आखिरुहा बिल उम्मति इल्ला बिमा सरुहा बिही अव्वलुहा। इस उम्मत के बाद की इस्लाह उसी तरीके पर चल करके हो सकती है, इस तरीके पर चल करके इस उम्मत के पहलों की इस्लाह हुई थी। इत्तेहाद का एक रास्ता, उम्मत से शिर्क का खात्मा हो जाए, लोग शिर्क छोड़ करके खालिस तौहीद पर कायम हो जाए, लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तेबा में शिर्क छोड़ करके
خالص اطاعت رسول خالص اتباع رسول پر چلے تو اتحاد ہو جائے, اللہ کی توحید کے ساتھ شرک نہیں, کفر نہیں, بدعقیدگی نہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین اور عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے قول کے سامنے کوئی بھی ہو کسی کی بات کو بھی خاطر میں نہیں لا سکتے, کوئی بھی ہو, امام, عالم, پیشوا, مفتی, مرشد, تو بہت بات کی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے صحابہ اپنے ساتھیوں کی بات کو بھی ماننا گوارا نہیں کرتے تھے. ابو بکر کی بات کو رد کر دیا جاتا, عمر بن خطاب کی بات کو رد کر دیا جاتا اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کبھی کوئی موقف ظاہر ہو جاتا, لاعلمی میں بھی ظاہر ہو جاتا, سمجھ رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام اس چیز کو راضی نہیں ہوتے. تو یہ اصل چیز ہے, اتحاد کا ایک ہی راستہ ہے, توحید ہونی چاہیے, توحید الہ اور توحید رسالت. جب تک اس میں اتحاد نہیں ہے تب تک اتحاد ممکن نہیں. ساری کاروائیاں, سارے فارمولے, ساری تھیوریاں, ساری کوششیں فیل رہیں گی, ناکام رہیں گی اس وقت تک جب تک توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا نہ آ جائے اور توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نہ آ جائے. ایک دم ضروری ہے. اب امت عقیدے کے معاملے قبروں پر, مزاروں پر, یہاں وہاں, یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں, علم غیب, بدعقیدگی, اب نظر و نیاز اور آستانے, اور مثال کے طور پر میرے بھائیوں حاجت برادری کے لیے سوال کرنا, سجدے اللہ کے علاوہ کے سامنے ٹیکنا ہے نا, رکوع کرنا, ہاتھ پھیلانا, طواف, جب تک یہ قبروں پر قبر پرستی یا شرک کا سلسلہ چل رہا ہے توحید کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسی جب تک امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اپنی عقل کو نہیں چھوڑ دے گی, کسی شخصیت کو نہیں چھوڑ دے گی, امام پرستی نہیں چھوڑ دے گی, پیر پرستی نہیں چھوڑ دے گی, ہے نا, اندھی تقلید نہیں چھوڑ دے گی, جمود نہیں چھوڑ دے گی یہ امت, تب تک اس امت میں اتحاد کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. نعرے ہو سکتے ہیں, شور مچ سکتا ہے, عقیدت اور ارادت کے ساتھ اس کا چرچا کیا جا سکتا ہے اور دل میں خوشی محسوس کی جا سکتی ہے, لیکن عملی طور پر ایک قدم بھی امت آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک امت میں توحید خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور توحید خالص رسالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ آ جائے. یہ بنیاد ہے, اس کے سوا ممکن نہیں ہے. اس لیے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت کو اور خاص طور پر امت کے بڑوں کو, علماء کو, ذمہ داروں کو اس مسئلے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے جی, اتحاد صرف لوگوں کا جمع ہونا ہے یا دلوں کا جمع جڑنا ہے؟ اتحاد کی معنی اتحاد اسلام کی اصطلاح میں, کتاب و سنت کی اصطلاح میں, اب اصطلاح تو سیاسی, اتحاد تو سیاسی بھی ہوتا ہے, سماجی بھی ہوتا ہے, اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. اتحاد اللہ کے دین میں ہے نا, اتحاد کا جو معنی ہے وہ نہ دلوں کا اتحاد ہے نہ جسموں کا اتحاد ہے. وہ کس کا اتحاد ہے؟ وہ سارے دلوں کا اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر اکٹھا ہو جانے کا اتحاد ہے. غلط پر سب کے دل اکٹھا ہو جائے تو کیا اتحاد ہو جائے؟ شرک پر, بت پرستی پر, تقلید جامد پر, ہے نا, عقلانیت پر اگر سب کے دل متفق ہو جائیں, سب دلی طور پر بھی اکٹھا ہو جائیں تو کیا اتحاد ہو جائے؟ یہ اتحاد نہیں ہے, یہ اتحاد کی تعریف نہیں. اللہ کے دین کے اندر اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ساری امت اپنے خالق و مالک, اپنے رازق, اپنے مدبر کے سامنے سر ٹیکے اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے, ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اپنی کتاب اتار دی ہے اور اس کو پڑھ کے سنانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے, عمل کر کے دکھانے کے لیے اپنے نبی کو بھیجا ہے, اس کے طریقے پر عمل کرنے والا, عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے تب جا کر کے ہم, سمجھ رہے ہیں, ہم متحد مانے جائیں گے. یہ مطلب ہے, اسی مقصد پر ہم سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے, ورنہ اتحاد دلوں کے اکٹھا ہونے سے بھی نہیں ہوتا اور جسموں کے اکٹھا ہونے سے بھی نہیں ہوتا. یہ دونوں چیزیں, عام طور پر جسمانی اتحاد کا تو بہت زیادہ نعرہ چلتا ہے کہ آپ بھی آؤ, آپ بھی آؤ, آپ بھی آؤ, آپ بھی آؤ, سب لوگ آ جاؤ, اتحاد ہو جائے. یہ تو اتحاد نہیں ہے, یہ تو بھیڑ ہے میرے بھائیوں, یہ تو بھیڑ ہے, گیدری ہے, رش ہے بس. عقیدہ سب کا ایک ہو, چاہے اکٹھا نہ بھی ہوں تو جہاں جہاں بھی ہیں سب متحد ہیں, کیونکہ سب اللہ کی توحید پر قائم ہیں. افریقہ, امریکہ, یورپ اور کیا نام ہے, برصغیر, کہیں بھی دنیا کے گوشے گوشے میں رہتے ہیں,
कहीं एक आदमी, कहीं दो आदमी, कहीं 50 आदमी, कहीं 100 आदमी, कहीं हजारों हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन सब के सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी पेशानियों पर सजाते हैं, उसके खिलाफ दुनिया में किसी की बात को भी खातिर में नहीं लाते हैं। तो ये अल्लाह के नबी की सुन्नत पर मुक्तहिद है, दूर है तब भी। असल मसला ये है कि इत्तेहाद का तसव्वुर क्या है, सब इकट्ठा हो जाए, नहीं, कहीं भी रहे अल्लाह की तौहीद के मानने वाले रहें, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मानने वाले रहें, शिर्क और कुफ्र और दीगर तमाम चीज़ों से पाक रहें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत का जो हमने कलिमा पढ़ा है इसके मुताबिक किसी शख्सियत, किसी पीर, किसी फ़कीर, किसी पेशवा, किसी इमाम, किसी को की बात पूरी अगर वो सुन्नत के खिलाफ है तो खातिर में ना लाएं, इस अकीदे पर रहें। दुनिया में जहाँ भी हैं 10 लोग, 5 लोग, वो सब के सब क्या हैं, मुत्तहिद हैं, सब के सब मुत्तहिद हैं, सब इकट्ठा हो जाएं, एक रूम में बंद हो जाएं, चाहे सबके दिल इकट्ठा हो जाएं या सबके जिस्म इकट्ठा हो जाएं, अगर ये बुनियाद नहीं है इकट्ठा होने की तो फिर इत्तेहाद नहीं है, ना इत्तेहाद है ना इत्तेहाद उसे कहा जा सकता है। इसलिए ये सब सारी चीज़ें महज नजरियात की हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इत्तेहाद का सही माना समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन। मनहज के मौजू पर तफसीली वजाहत या उसकी दावत इन इदारों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं देने की क्या वजूहात है, क्योंकि इसकी वजह से गलत फहमी रहती है अवाम को, क्योंकि जो लोग मनहज की बात करते हैं उन लोगों को मुतशद्दिद समझा जाता है जी। और दूसरा सवाल है शेख भाई का कि वसतियत शरई मानों में क्या है जी। ठीक है, पहला जो सवाल है इसमें कि मनहज की सुथरी दावत या खरी दावत लोग मतलब क्यों नहीं देते हैं, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के वसाइल पर बहुत सारी बातें होती हैं, तो मनहज की बहुत सुथरी खुली खुली दावत, खरी खरी दावत को क्यों नहीं देते, क्यों नहीं पेश करते हैं? देखिए, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दावत लोग दे रहे हैं, ये बात सही है कि बहुत खुल करके नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे कई असबाब हैं। एक सबब जो है बुनियादी वो ये है कि जो सही मनहज के लोग हैं, सही मनहज पर चलने वाले उलमा हैं या सही मनहज पर चलने वाले मिसाल के तौर पर इदारे हैं, सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि वो तादाद में बहुत कम है, और जब तादाद में कम है तो वसाइल में भी कम है। दूसरी चीज़, वो इन जदीद वसाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें रियाकारी लगती है, दिखावा लगता है, शोबाजी लगती है, इसलिए इससे भी वो थोड़ा एतराज़ करते हैं। दो बातें ये हैं। अच्छा, तीसरी जो बात है वो ये है कि प्रोपेगंडा इतना हो चुका है बातिल की तरफ से कि सही मनहज वालों को पेश ही बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया गया है, मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ अलकाब से, मुख्तलिफ औसाफ से, मुख्तलिफ अंदाज से उनको जदोबोर किया जाता है, है ना? और अगर आप माजी से देखकर देखेंगे तो आज तक आपको इसकी मिसालें मिलेंगी, बहुत सारी मिसालें हैं इसकी। आप बड़े सगीर की मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पर बातें समाएंगी इंशाल्लाह, मिसाल ले लें, हमें ये कहा जाता है अहले हदीसों को ख़ास तौर पर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो 150 साल की पैदावार है, ये तो अंग्रेज़ों के एजेंट हैं, अंग्रेज़ों के इशारों पर काम करने वाले, इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी बदनामी की बात है, वह है कि इसके अंदर कई एक पहलू हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों से जिहाद का जो मसला था वो एक दीनी मसला था, बुनियादी मसला था, अपने हुकूक का मसला था, अपने आबरू का, अपने दीन का मसला था, अपने वतन और घर और मुल्क के तहफ्फुज़ का मसला था। इस मामले में हमको बदनाम किया जा रहा है कि अंग्रेज़ों का साथ देने वाले लोग थे, है कि नहीं? अब इस बदनामी की वजह से बहुत सारी बदनामियाँ हमारे सर थोप दी जाती हैं। तो अब आप सोचिए कि ऐसे हालात में ये काम उतना ज़्यादा खुल करके इस मनहज के लोगों के लिए करना कितना मुश्किल है। लेकिन पिछले अल्हम्दुलिल्लाह अरसे में बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ है, बहुत हद तक काम हुआ है, अल्लाह का शुक्र है कि अब बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो इन जदीद मनाही से निकल निकल करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौहीद खालिस पर आ रही है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सही सुन्नत पर आ रही है,
सहाबे किराम और सलफ सालहीन के फहम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरफ लपक रही है। ये काम हुआ है लेकिन बहरहाल काम कम है। ब्रदर ने एक बात उसके अंदर ख़ास तौर पर लिखी है कि आज अगर कोई मनहज सलफ का खालिस काम करता है तो उसको मुतशद्दिद कहा जाता है, यानी कहा जाता है कि बहुत एक्सट्रीम, बहुत लोग शिद्दत पसंद लोग हैं। ये एक हकीकत में बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। मैं आपके सामने इस बात को अर्ज़ करूँ कि जब लोग किसी माहौल के आदि हो जाएं, बरसों तक आदि हो जाएं, और वो गलत हो, वो बातिल हो, वो बेदलील हो, वो नफ्स परस्ती हो, ख्वाहिशात की गुलामी हो, बाप दादा का तौर तरीका हो, तो ऐसे माहौल में अगर सच बोलने के लिए कोई खड़ा हो जाए तो उसको मुतशद्दिद ही कहा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिलियत के उस दौर के बाद जब पूरी दुनिया के लिए एक रोशन चिराग बना करके भेजे गए, तौहीद का चिराग है ना, रोशनी दुनिया में, तो उस वक्त लोगों ने क्या कहा, ये देखो ये तो बाप बेटे में झगड़ा करा रहा है, ये देखो मियां बीवी में इख्तलाफ करा रहा है, ये देखो कुंबे कबीले में इख्तलाफ करा रहा है, आपस में बरसों से मिलजुल करके रहते थे, ये इतना एक्सट्रीम आदमी, इतनी शिद्दत, हमारे बाप दादों के दीन की बुराई करना, हमारे माबूदों की बुराई करना, हमारे देवी देवताओं की बुराई करना, और एक अल्लाह की दावत देता, अब कहाँ अजअल अलिहत इलाहन वाहिदन इन हाज़ा लशयू रुजा, ये तो सारे माबूदों को ख़त्म करने की बात कर रहा है, ये तो कितनी ज़बरदस्ती, कितनी शिद्दत की बात है, कितनी ताज्जुब की बात है कि क्या हम सारे माबूदों को ख़त्म करके एक माबूद बना लें। अब बहुत सारे माबूदों की ऐसे आदि हो चुके थे बरसा बरस से कि एक माबूद की बात करना ताज्जुब की बात थी, एक माबूद की बात करना ताज्जुब की बात थी, सुनना ताज्जुब की बात थी। तो मसला ये होता है असल में कि जब बातिल आम हो जाए, बातिल के लोग आदि हो जाए तो हक को लोग शिद्दत कहते हैं, सच्चाई को लोग शिद्दत कहते हैं। अगर समाज में झूठ बोलना आम हो जाए और एक आदमी सच्चाई का मिशन लेकर के खड़ा हो जाए, बोले कहाँ से चले आए हो आप, इस तरह का इतना आप जिस तरह से चाहते हो ऐसा तो माहौल नहीं हो सकता है, ऐसे तो पूरे समाज में आपको कोई मिलेगा ही, इसलिए इतनी शिद्दत मत करो, माहौल के साथ चलो, माहौल के साथ चलो, अब सच्चाई को शिद्दत बोला जाए। सूदखोरी अगर आम हो जाए, एक आदमी सूद से बचने की बात करे, बोले भाई इतना एक्सट्रीम मत हो, इतना एक्सट्रीम मत हो, समाज के साथ चलो, ऐसा आपको कोई नहीं मिलने वाला है, आपको सूद का लेन देन करना ही पड़ेगा। आज अगर शराब कोई पी रहा हो और आपसे कहे कि आइए, आप कहें नहीं नहीं भाई ये तो मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा, अरे इतनी भी सख्ती अच्छी चीज़ नहीं है, थोड़ा तो कम से कम चलाना चाहिए, यानी अजीब गरीब माहौल बन गया है। ये तो एक आम बात हो रही है, आप किसी मसले में आप देख सकते हैं जब हकाइक सच्चाइयाँ नेकियाँ अच्छाइयाँ भलाइयाँ मेरे भाइयों जब नापैद हो जाती हैं, दूर चली जाती हैं, तो उसके बाद हक बोलना शिद्दत कहलाता है, हक बोलना जारहियत कहलाता है, हक बोलना दुश्मनी करना। इसलिए आज भी कितने लोग हैं अपने पराए सब ही इसके अंदर मेरे भाइयों, गैर तो कहते हैं कि मुसलमान शिद्दत पसंद हैं, ये हैं वो हैं, और इस्लाम के अहकाम में बड़ी शिद्दत है कि देखो यहाँ पर चोरी करने वाले का हाथ काटा जाता है, यहाँ कोड़े मारे जाते, जलावतन कर दिया जाता है, जानी को संसार किया जाता है, ये सब शिद्दत वाला दीन है, शिद्दत वाला दीन है, कसास दिया जाता है इसके अंदर। इस दूसरे तो कहते ही बहुत सारे अकलानी लोग अपने भी जो अकलानी इस्लाम का नाम ले वो भी कहते हैं कि नहीं हाँ ये बात तो बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही, क्या एक आदमी एक बार चोरी कर दे तो हाथ काट दिया जाएगा, ये तो शिद्दत है, मौका देना चाहिए, एक बार दो बार मौका देना चाहिए, क्या बात। तो मौका देने का मतलब ये है कि फिर लोगों के माल चुराए जाएं, लोगों पर ज्यादती हो, वो प्रॉब्लम में आए, इसके साथ रियायत होनी चाहिए, वह चोरी को बढ़ावा देना चाहिए, जुल्म को बढ़ावा देना चाहिए, करप्शन को बढ़ावा देना चाहिए। तो यही फ़र्क है अल्लाह की शरीयत में और हमारी नाकिस अक्ल में, हम पता नहीं क्या सोचते हैं, अल्लाह की शरीयत अलग ही चीज़ है, तो हमें उसको समझना अपनी अकल से। तो कहने का मतलब ये है कि ये बुनियादी चीज़ है, इसको शिद्दत कहते हैं बहुत सारे लोग, अपने लोग भी इसको शिद्दत कहते हैं, इस तरह के माहौल जिस माहौल में आज हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस्लाम के नाम लेवा इस्लाम की नस्बत रखने वाले बहुत सारे फ़िरके, बहुत सारी टोलियाँ हैं, इनके बीच में जब हम खालिस सुन्नत की बात करते हैं, खालिस तौहीद की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि यार बहुत सख्त मौकिफ़ है आपका, बहुत सख्त मौकिफ़ है, मौकिफ़ सख्त नहीं है, मौकिफ़ असल है, हम असल पहुँचा रहे हैं, तुम नकली के आदि हो चुके हो तो तुम्हें असल जो है वो गलत लगता है।
मसला असल में यही शिद्दत नहीं है। अब शिर्क आम है, अब शिर्क आम है उस माहौल में, अगर आप तौहीद की बात करेंगे तो लोग शिद्दत वाला कहेंगे आप। बिदात आम है उसमें, आप खालिस सुन्नत की बात करेंगे तो लोग आपको शिद्दत पसंद करेंगे। ये शिद्दत नहीं है, ये खालिस दीन है, असली दीन है। अगर कोई कहे कि मैं मार्केट से, मार्केट का मैं कोई दूध नहीं लेता क्योंकि सब में मिलावट है, मैं तो सिर्फ एक जगह से दूध खरीदता हूं जहां पर मिलावट नहीं है, वो असली देता है, तो आप कोई कहे कि शिद्दत पसंदी है ये तो नादानी है। नादानी मेरे भाइयों, ये तो असल है ना, असल हम असल की तलाश में हैं, असल ढूंढते हैं, असल को फॉलो करते हैं, असल ही तलाश करने के लोगों को दावत देते हैं। तो ना हमारा असल को तलाश करना शिद्दत है, ना असल पर अमल करना शिद्दत है, ना असल की दावत देना शिद्दत है, ना असल के खिलाफ नकल की बुराई करना शिद्दत है। यही असल है कि नकल की बुराई की जाए, नकल को, नकली को नकली साबित किया जाए, खरे को खरा, कूटे को कोटा बताया जाए, यही तो सच्चाई। तो ये काम है, इसलिए हमें शिद्दत पसंद कहा जाता है जबकि इसका शिद्दत से कोई ताल्लुक नहीं है। रही बात वसीयत वाली, तो इंशाल्लाह उसकी वजाहत अगले हल्के में इंशाल्लाह करेंगे, अगले सवाल जवाब के सेशन में। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मनहज का सिलसिला जो चल रहा है, इस सिलसिले को जारी रखने की और उसको समझने की, इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। और अगर कहीं कोई बात वाकई अगर तल्ख हो जाए तो उसे भी बहरहाल इस तरह से ना समझें कि तलखी बराए तलखी है, तलखी बराए तलखी नहीं है, बल्कि नुस्ख बराए खैर खाही है, लब लहजा सब हो सकता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हक को हक के पैमाने समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।